सुप्रभात प्रथम खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो आज संपन्न हेब उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शेषकृत्य बुलंदर शहर नारोरा गंगापुर श्मशान घाटी को नियाजिब पार्थिव शरीर शोभायात्रा में सामिल हे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता कोरोना को नहीं नीति आयोग सतर्क बाणी आहुरी सांघातिक परिस्थिति प्रस्तुत होगाक पड़े देश में आग को दिन सामना करने आसीपे चारु पांच लक्ष मामला आसंता मास सुधा दुई लक्ष आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा परामर्श सेवा तो पुरीवासी आज सर्वसाधारण को मिल जगा दर्शन कोविड कटक श्रीजी को दर्शन करे भक्त सकाल सतटू संध्या सतटा जाए दर्शन समय धार्य कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहले दुई डोज टीकाकरण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक बीजेडी छात्र नेता विरोध में सांघातिक अभोग युवकों ब्लेड मारी रक्ताक्त कले ढेंकानाल बीजेडी छात्र नेता धारुआ अस्त्र आक्रमण में छ इंच गभीर क्षत पुलिस लगानी हत्या उद्यम दफा आदिवासी जमी उपरे कंपानी लोलुप दृष्टि खणी संप्रसारण नारे जमी हड़प योजना कंपानी मालिकों सामिल सरकारी अधिकारी दलाल साजी आदिवासी को बांटुं टंका दिनक पर आरंभ हो टोकियो पारा ओलंपिक उद्घाटन उत्सव में भाग ने भारत पांच खेला सहित छह अधिकारी चलित थर टोकियो पारा ओलंपिक रे खेलिबे 54 जनिया भारतीय टीम ओडिया बैडमिंटन खेलाड़ी प्रमोद भगत को प्रदर्शन उपरे रहिबो क्रीडाविद नजर एवं यूट्यूब रोजगार में समाज सेवा खाल खमारे भर्ती निज गांव माटी रास्ता को मरामती करी चर्चारे संबलपुर आदिवासी युवक इशाक मुंडा पारंपरिक व्यंजन उपरे वीडियो बनाई पाइथिले प्रधानमंत्री मोदी प्रशंसा आसवा संपूर्ण खबर को आज बुलंदशहर जिलार नारोरा गंगाकूल में अनुषित हो उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शेषकृत्य केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता शेषकृत्य सामिल होगा नहीं सूचना रही सकाल 9:00 आलीगढ़ स्थित अहल्या बाई होलकर स्टेडियम स्वर्गत कल्याण सिंह पार्थिव शरीर एक शोभायात्रा रे नियाजिबो सेठारु तांको पैतृक ग्राम उत्तर रैली को बाट देई बुलंदशहर जिलार नारोरा गंगाकूल को मृतदेह को नियाजिबो परे अपराह्न 3टा समय रे नारोरा गंगाकूल राजघाट श्मशान रे स्वर्गत कल्याण सिंह शेषकृत्य संपन्न हेबो बोली जणा पडिछे ए कार्यक्रम रे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोगदेवे बोली जणा पडिछे अन्य मानक मध्ये उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वरिष्ठ बीजेपी नेत्री उमा भारती प्रमुख जोगदेवार कार्यक्रम रही शनिवार राति 99 वर्ष बयस लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई हस्पिटाल कल्याण सिंह परलोक घटी कल्याण सिंह देहांत पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यर तीन दिनिया शोक घोषणा करने 23 अगस्त को छुट्टी घोषणा कर कोरोना संक्रमण तृतीय लहर नहीं आशंका प्रकाश कर नीति आयोग कहते जे आहुरी सांघातिक परिस्थिति पर आमको प्रस्तुत रहा दिनक 4-5 लाख कोरोना मामला सामना को आसीपे आयोग अनुमान कर आसंता मास सुधा 2 लाख आईसीयू बेड प्रस्तुत उचित बोली आयोग वेंटिलेटर सह 1.2 लाख आईसीयू बेड 7 लाख बिना आईसीयू हॉस्पिटल बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड प्रस्तुत होगा उचित बोली आयोग कही तबे नीति आयोग सदस्य बीके पाल गत मास रे कोरोना मुकाबला नहीं सरकार को किछि टिप्स देते
सेवायत पुरीवासीों पर आज सर्वसाधारण खोल श्रीमंदिर कोरोना कटक मानी श्रीजीव मान दर्शन करेंगे श्रद्धा कोरोना द्वितीय लहर पर दीर्घ चारिमास बंद रही पुरी श्रीमंदिर तेरे गत अगस्ट 16 रु श्रीमंदिर खोली बेले पर्यायक्रमे सेवायत पुरीवासीों पर आज सर्वसाधारण मंदिर प्रवेश को अनुमति मिली समस्ते कोविड कटक मानी श्रीजीव दर्शन करने श्रीमंदिर व्यवस्था कर तेरे कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी दर्शन पर 96 घंटार कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट किंवा दुई डोज टीकाकरण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक श्रीमंदिर भितर कटक बलबत्तर कर श्रीमंदिर भितर को फूल तुलसी भोग प्रवेश श्रीमंदिर में प्रसाद सेवन उपारण लगे आलोक सुतोष पुरी प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ बाबद खबर ना आलोक सेवायत पुरीवासीों पर आज सर्वसाधारण श्रीमंदिर खोलुच्छे निहाती भाव में जो अपेक्षा था बारंबार श्रीमंदिर यह भाव स्थित जेहेतु खराब रही तेणु यह दृष्टि रखी बारंबार मंदिर बंद कर भाव में दीर्घ दिन धरी भक्त अपेक्षा करते आज श्रीमंदिर खोलुच्छे निहाती खुशी कथ निश्चित भाव में निवेदित आम कहीपर भक्त भगवान गोटे महामिलन आरंभ हो जेहेतु मंगल आरती सरी वर्तमान श्रीमंदिर सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो भक्त श्रद्धा मैंने रत्न सिंहासन महाप्रभु को चर्मचक्षु देखिए कृतार्थ होती आप जानते कोविड जिते बड़े श्रीमंदिर बंद रही दीर्घ मस बंद रही प्रथम सेवायत परिवार एवं तापर पांच दिन लगातार पुरीवासी दर्शन कर सारे आज ठारूँ सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था जारी रही है आम पूरा पूरी दृश्य देखा प्रथम चाहिए पूरा कड़ाकड़ी सुरक्षा सबुठ बड़ कथ कड़ाकड़ी सुरक्षा कड़ाकड़ी चेकिंग चलिए आप जानते वर्तमान कोविड प्रकोप जारी रही प्रादुर्भाव जारी रही श्रीमंदिर प्रशासन तरफ निवेदिता जो एसओपी जारी करो भक्त श्रद्धा मैंने हूँ कि आज ठारूँ तो आप जानते सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था आरंभ होगा आज ठारूँ पुरीवासी मैंने जो मैंने चाहिए दर्शन करें कितु से कटकड़ा सामान रही आप जानते 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र को देखेबे और तन्न तन्न कर पुलिस प्रशासन द्वारा जांच चलती निवेदित आप गहलू अनुमान करूँ जगन्नाथ प्रेमी भक्त दीर्घ चारिमास महाप्रभु सानिध्य नवर वंचित होते गहल ही सीधा सड़क बयान करते मात्र भक्त श्रद्धा मन में उत्साह खेली सीधा सड़क दृश्य आम देखु भक्त श्रद्धा मैंने ये श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें जो चेकिंग पॉइंट रही है निजर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र को देखते पूरा पूरी तन तन कर जांच चली सुरक्षा कथ जी कहान निवेदिता पाखापाखि 8 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन अच्छा पूरी एसपी निजे मुतयन अच्छा आम पूरा पूरी दृश्य देखा चाहिए जहाँ श्रीमंदिर प्रशासन तरफ व्यवस्था करो भक्त श्रद्धा मैंने लंबा लाइन में आसवे एठार निजर परिचय पत्र देखे सारे जो कियोस्क कर 8 कि 9 कियोस्क कर से कियोस्क सीधा सड़क फोटोग्राफी करेंगे सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किशन कुमार निजे आसी पूरा पूरी व्यवस्था समीक्षा कर सीधा सड़क दृश्य आम देखा चाहिए श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किशन कुमार निजे उपस्थित रही पूरा पूरी तन तन कर जांच कर भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में महाप्रभु दर्शन करेंगे जेहेतु आज ठारूँ सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था उन्मुक्त रही समस्त से बेस उत्साह बेस उद्दीपना रही समस्त भावव्य हो पड़ते कारण दीर्घ चारिमास जगर आखि सहित से आखि मिशी ना जितेबाला से आज महाप्रभु को देखिए निश्चित भाव में गोटे भावविहल परेश सृष्टि हम ये तो भक्तिमय परेश आध्यात्मिक परेश श्रीक्षेत्र खेली दीर्घ मस पर श्रीक्षेत्र चलचंचल हो पड़ी आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए पूरी एसपी निजे उपस्थित अच्छा व्यापक पुलिस फोर्स जो सुरक्षा दृष्टि 8 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर श्रीमंदिर भितर कि भाव में कड़ाकड़ी व्यवस्था हो पार भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर भितर कि भाव में गाइडलाइन मानवे विशेषकर फोकस दी जाए आप जानते जो श्रीमंदिर भितर गाइडलाइन पूर्वथर भाई बलबत्तर रही है कौन भक्त श्रद्धा महाप्रसाद सेवन करेंगे ना श्रीमंदिर भितर पान छेप पकई पारे ना समस्त श्रीमंदिर भितर बारंबार हाथ को सानिटाइज करेंगे मुहर में मास्क परिधान करेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे से ही कटक बलबत्तर रही सीधा सड़क दृश्य आम देखा चाहिए जेहेतु कियोस्क भक्त श्रद्धा मैंने आ राज्य तथा राज्य बाहर दूर दूरांतर भक्त श्रद्धा मैंने आ महाप्रभु को टे स्वचक्ष देखिए तो निश्चित भाव में आम समस्त से उद्दीपना समस्त से आशा रही कि भाव में श्रृंखलित दर्शन कर प्रशासन तरफ व्यापक व्यवस्था करा पूरी
दृश्य टी देखे अगणित दर्शक मान जो कियोस्क आपेदिता जानते कियोस्क जो कर आठटी कियोस्क ये कियोस्क निजर फोटोग्राफी करने सीधा सड़क लंबा लाइन में भक्त श्रद्धा मैंने जी सिंहद्वार जी और श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन करने उत्तर द्वार दे प्रस्थान करेंगे। निश्चित भाव में परेश सीधा सड़क देखुं नवेदिता के मात्र भक्त श्रद्धा मैंने कॉविड कटक मानुंट बड़ कथा हूँ जो कियोस्क बाहर जो सामाजिक दूरत को बजाय रखापी सोशल डिस्टेंसिंग को बजाय रखापी गोल चिन्ह दी गोल चिन्ह गोटे गोल चिन्ह ठूँ आउ गोटे गोल चिन्ह किसी मीटर डिस्टेंस रही जहाँफल भक्त मैंने सामाजिक दूरत बजाय रखिपारे आपड़ सीधा सड़क दृश्य देखते कियोस्क भक्त श्रद्धा मैंने फोटोग्राफी कर फोटोग्राफी कर सारे जो नेगेटिव रिपोर्ट कि टीकार दुईट प्रमाणपत्र जांच कर चेष्टा कर प्रतीक्षा ना मौसी केते खुशी केते व्याकुल महाप्रभु को दर्शन करिवे बहुत खुशी व्याकुल बहुत देखे बहुत दिन हला देखि नथिलु दीर्घ केते दिन हला कष्ट थिला मन रे बहुत कष्ट दुख थिला हमें देखि परनु पुरी रे लोक होइ गिरिबे देखि परनु हमें आधार कार्ड आ ये अपन जो इंजेक्शन सर्टिफिकेट रिपोर्ट महाप्रभु देखि कोन मागिबे कोन किछि मागिबार नै किछि मागिबु नै हमें क्या कह जल्दी खत्म हो जाऊ ए दुनिया रु समस्त भल्ले रुहंतु महाप्रभु भी दर्शन पाइबे भक्त श्रद्धा से गोटे प्रतिक्रिया रोचे किभली भाव में कोरोना यथाशीघ्र समग्र विश्व रूप रो स्थित पुनर्वार स्वाभाविक हो जगार चारिद्वार उन्मुक्त रो जहाँफल भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन कर पूरा पूरी दृश्य टी देखे चाहिए आम अगणित दर्शक मान को जेहेतु लंबा ब्यारिकेड व्यवस्था कर देखुं जो श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय ठूँ चेकिंग कर सारापर बर्तमान कहींपर जो मंदिर प्रशासन तरफ जो ब्यारिकेडिंग व्यवस्था करारिकेडिंग भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में समस्त मुहरे मास्क परिधान कर हाथ को सानिटाइज कर बड़ कथ हूँ सोशल डिस्टेंसिंग किभली भाव मेंटेन हो पार विशेषकर प्राधान्य दी निश्चित भाव में जेहेतु नवेदिता दीर्घ मस पर श्रीमंदिर खोलुची सर्वसाधारण राज्य बाहर तथा राज्य भितर जो भक्त श्रद्धा मैंने उत्साह सहित अपेक्षा करते के दिन आसब से प्रतीक्षार आज नवेदिता अंत घटी और भक्त श्रद्धा मैंने दौड़ की जाऊँ महाप्रभु को देखा दुख जनइबे गुहारी जनइबे महाप्रभु निकट प्रार्थना करेंगे किभली भाव कोरोना चली जाऊ समाज मंगल हो परिवार मंगल हो निश्चित भाव में परिवेश अत्यंत निरा रही है निहत भाव में आम नवेदिता लगातार प्रति बुलेटिन अपडेट दे चलू किभली भाव में भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन कर जहाँ चित्र आम देखुं जे भक्तों भावावेग आगे भक्ति आगे कौन सी कॉविड कटक किसी बड़ कथा नुहे समस्ते आसुंच से ही कॉविड कटक मानि श्रृंखलित तो भाव महाप्रभु को दर्शन करने जो व्यवस्था करती स्वागत योग्य समस्ते मानुंट बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि सीधा सड़क आमको पूरी ताजा चित्र देखाते आसवा परवर्ती खबर को बीजेडी छात्र नेता विरोध में सांघातिक अभियोग युवक को ब्लेड मारी रक्ताक्त तो कले बीजेडी छात्र नेता धारुआ अस्त्र आक्रमण कले आउ 6 इंच गभीर क्षत भी हेला हेले पुलिस लगाइलानी हत्या उद्यम दफा बीजेडी छात्र नेता विरोध में सांघातिक अभियोग युवक को ब्लेड मारी रक्ताक्त तो कले बीजेडी छात्र नेता धारुआ अस्त्र रे आक्रमण कले 6 इंच गभीर रो क्षत भी हेला हेले पुलिस लगाइलानी हत्या उद्यम रो दफा कारण ये हेउचंती पावरफुल बीजेडी नेता संजीव पृष्टि ओर प्रकी बिजु छात्र जनता दल रो राज्य साधारण संपादक मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक को खास छात्र बीजेडी सभापति देवी त्रिपाठी को राइट हैंड अभियोग इशारा ने चले भुवन थाना एवं आसतु नजर पकाइबा पूरा घटनाक्रम उपरे अभियोग अनुसार ढेंकानाल भुवन गाँव माताजी पृष्टि निज झी और नातुणी सह बसी समय पाख पड़ोशी छात उपर पानी पड़ा एने माताजी पचार संजीव पृष्टि असभ्य भाषा गाड़गुलज करते माताजी थाना अभियोग भी करते माताजी पुतुरा जितेन्द्र उपरे संजीव पृष्टि और संदीप पृष्टि और तांको मामू आक्रमण करते ब्लेड रे अटैक करने धारुआ अस्त्र रे आघात भी करते संदीप पृष्टि होती भुवन एनसी युव बिजेडी सभापति तेज देखु मेडिकल रिपोर्ट जितेन्द्र बेक 8 सेंटीमीटर गभीर क्षत भी सृष्टि नजर पकातु भुवन थाना पुलिस एफआईआर एत बड़ आक्रमण पर भी लगनी हत्या उद्यम दफा अभियुक्त को गिरफ भी करूनी पुलिस एबे माताजी और जितेन्द्र ढेंकानाल एसपी को भेटी न्याय गुहारी करिसंती पुतुरा को
ଆଣିକି କାଟିକି ପେଟରେ ବୁଜାଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏଇଆ ଜଣେଇଲୁ, ଆସିକି ଗୁହାରି କଲୁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ପିଲା ପରିବାର ଧରିକି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପାଖରେ, ବାହାର ଲୋକ ଆଉ କିଏ ଯିବ କି? ମାରିଦେବି ଜୀବନରୁ ଧମକ ଦେଇକି ଏବେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବି ମାରିଦେବି। ମୋର ବି ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ତିନି ଚାରି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ଯାହାର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏମିତି ବି ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦଫା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, 307 ଦଫା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରକିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 307 ଲଗାଇଲା ନାହିଁ ଭୁବନ ଥାନା ପୋଲିସ? ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି ସବୁ ମାଫ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ଦଫା? କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଜାଣିଶୁଣି କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି। ବିଏମ୍ସିର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ଡେଙ୍ଗୁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 58 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1730କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୈନିକ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀକୁ ମାଡ଼ିସାରିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବିଏମ୍ସିର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ନେବା। ଚିନ୍ମୟ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରୋନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ 2000 ମୁହାଁ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ବାହାସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲିର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି 58 ଜଣ ରାଜଧାନୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1730 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପାଖାପାଖି 2000 ମୁହାଁ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି କହିବା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ରଥ ହେଉ ବା ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର, ନର୍ଥ ଜୋନ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ନର୍ଥ ଜୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। କେବଳ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ନୁହଁ, କଳ୍ପନା ହେଉ ବା ରସୁଲଗଡ଼ ହେଉ, ପଳାଶୁଣୀ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଏବେଠୁ ନିଜେ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇବ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି ବିଏମ୍ସି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖୁ ଏବଂ ସଚେତନତା ଜାରି ରଖୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରା ନଯାଏ ଏ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯଦିଓ ସେତିକି ଘାତକ ନୁହେଁ କୋଭିଡ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଡକ୍ଟରମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଭଳିଆ, ସେ ଜ୍ୱର ହେଉ ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉ, ଏସବୁ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଭଳିଆ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଛି କି ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି ବା କରୋନା ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ। ଯଦି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ଘର ଘର ବୁଲି ବା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା,
ओके बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी साहू आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ी थे जहाँ से कहते हैं ग्राउंड जीरो जहाँ स्थित से देखुं निहांती भाव में चिंताजनक जदि एबू बीएमसी सतर्क न हुए और विशेषकर जदि कंट्रोल को न जाए जो भाव विपर्यस्त हो पड़ी राजधानी स्थित और मशा संख्या वृद्धि पाया जो डेंगू संख्या बढ़ुच्छे जो राजधानी में 2000 मुहला डेंगू रोगी संख्या परवर्ती खबर को सुवर्णपुर जिले में हो पारि ना क्रीड़ा भित्तिमि विकास फल योग्य खेला आज भी अवहेलित अवस्था जिले में दुई दुई जन कैबिनेट मंत्री थे सहर से खेलाड़ी ना भल पड़िया कि अन्य आनुषंगिक व्यवस्था बर्षा दिने कादू पचपच पड़िया खेला खेलुआ बेले अर्धनिर्मित स्टाडियम अवस्था न कहले भल क्रीड़ा भित्तिमि विकास को नहीं सुवर्णपुर देखा रिपोर्ट सुवर्णपुर क्रीड़ा भित्तिमि विकास अवहेलित तो अवस्था रे योग्य खेलाड़ी ना अच्छे भल पड़िया ना आनुषांगिक व्यवस्था सुवर्णपुर सदर महकुमार रही तीन टी प्रमुख पड़िया भलक देखु दृश्य को रामेश्वर स्टेडियम भाव जनाशुना पड़िया रे बड़ बड़ बुदा सब होगला पड़िया रे केउठी पानी जमीच तो केउठी कादू हो केवल यह पड़िया नुहे सहर भितर थिबा गांधी पड़िया और रॉयल पड़िया अवस्था आहुरी संगीन केउठी बजार बसुचित तो केउठी कादुरे भरी रही कौन सी प्रकार क्रीड़ा आनुषंगिक व्यवस्था होना फल असुविधा भोगुंट शताधिक खेला काण हूँ कि इन्हें बर्षा बर्षा हो गले फिल्ड पूरा खराब हो जाऊे तो यहाँ काण हूँ कादो होचे आउ खरा दिन एत धूली उड़ूँ जे ठीक से दौड़ी भी ना होबार आ बर्षा दिन भी ठीक से खेली ना होबार एबे जस्ट रॉयल फिल्ड में गोटे छोटे स्टेज आरंभ होगा जाइए कि आप सरकार को अनुरोध करुँ रॉयल फिल्ड उन्नतिकरण हो स्टेज के संपूर्ण हो बाउंड्री वॉल हो पानी जल सुविधा टी हो जोद्वारा कि जेन चेष्टा आम करुँ इतार द्वारा अनेक पिला बाहर और आम संपूर्ण ना ही आगे बढ़ाबे किसी वर्ष आगर नूतन स्टेडियम निर्माण पर प्रथम पर्यायर 76 लाख टंका और इंडोर स्टेडियम निर्माण पर 1,41,00,000 टंका खर्च होले आज भी हो पारे पड़ियार उन्नति जिलार अनेक क्रीड़ाविद भित्तिमि अभाव जो आग को जापना सेपटे 2004 प्रस्ताव होता स्टेडियम को संपूर्ण करिवारे फेल मारी राज्य सरकार जिले में दुई दुईज कैबिनेट मंत्री थिले हैं खेलाली को सुविधा करी पारु नहांती आग को पंचायत निर्वाचन थिबा बेले मंत्री पुणी सबुआड़े स्टेडियम निर्माण घोषणा करिछंती बोली अभियोग करिछंती पूर्वतन विधायक अपरपक्षे बहुत शीघ्र स्टेडियम कम सरियो बोली कहिछंती राज्य क्रीडा मंत्री आज इथरो निर्वाचन आउचे बोली करे तुम्हें घोषणा करबा लागि जाउजो किंतु सेटा केते बेले बे तुम्हार फलवत्ती नै हुए एटा जनसाधारण मान को आहुरी असुविधा किसी उन्नति नहीं पारे सोनपुर जिलार उन्नतिकरण प्रपोजाल आसी आगामी दिन में अर्थ मंजूरी करा तेना बहुत जल्दी तर कम त्वरावित कर बहुत जल्दी संपूर्ण होने जो पड़िया स्टेडियम कर प्रस्ताव रही है आगामी दिन में तार जो अच्छी आम निश्चित भाव कर गोटे पटे क्रीडार विकास को नहीं राज्य सरकार बाहा बाहा ने बेले आज भी सुवर्णपुर होना क्रीड़ा भित्तिमि विकास प्रश्न कहीं सुवर्णपुर क्रीडार विकास प्रति राज्य सरकार का आंतरिकता अभाव सुवर्णपुर वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन भोई के साथ सत्यव्रत अर्गस न्यूज आदिवासी संस्कृति और व्यंजनर समन्वय में वीडियो तैयारी संबलपुर जुजुमरा ब्लॉक बाबूपल्ली गांव इशाक मुंडा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रशंसा भाजन होते स्थानीय खाद्य रोसी कौशल निज गाँ और जीवनशैली को निजस्व अंदाज रे बखाणी इंटरनेट रे सेंसेशन पलटिता इशाक यूट्यूब रु कर आयर आरंभ कर समाज सेवा कम निकट में इशाक खालखमारे भर्ती निज गाँ माटी रास्ता को मरामती कर चर्चा को आसी एबे YouTube रे वीडियो अपलोड करी करछंती बेस दुई पैसा आयो हेलो दोस्तों नमस्कार सबको फिर स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में निजरो गाड़ी घर सब किछि मिलि छथिरो ए आयु को संचय करी आगो को से विलासी जीवन बंचि परंते हेले या तांकर इच्छा नथिबा कहंती संबलपुर जिला जुजुमरा ब्लॉक बाबूपल्ली गांरो लोकप्रिय यूट्यूबर इसाक मुंडा
ଇଶାକ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ବାବୁପାଲିକୁ ନଥିଲା ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ଅଧା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଧା ଥିଲା ମାଟି। ମାଟି ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ଧୋଇଯାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖାଲ, ଫଳରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମରାମତି କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଇଶାକ। ये जो बारिश के मौसम में थोड़ा खाल डीप बहुत है, तो हमारे गांव के जो आना जाना करते हैं कि एम्बुलेंस इमरजेंसी में वो जो गड्ढा है थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है, और इसीलिए उस गड्ढा में मैं मेरी तरफ से उसमें दो ट्रैक्टर से वो डॉस को वहां पे मैं पका करके मैं शाम करूँगा, प्लेन कर देंगे। ନିଜ କହିଥିବା କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଇଶାକ। ଖାଲଖମା ଭରା ମାଟିକାଧୁଆ ସଡ଼କରେ ବଜୁରୀ ବିଛାଇ ତାକୁ ଯାତାୟତ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ପୋତିଛନ୍ତି ଖାଲ। ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବଜୁରୀ ଆଣି ସଡ଼କକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାମ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଶାକ। ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋ ରହା ହେଇ କରକେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ମିଳତେ ହେ, ଔର ବାଦ ମେ ଫେର କଂକ୍ରିଟ ୟା ପିଚୁ ହୋ ଯାଏଗା ରାସ୍ତା ତ ଔର ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲାଗେଗା। ହମାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆନେ ଜାନେ ମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଗା। ଗାଁ ସଡ଼କ ମରାମତି କରି ବଡ଼ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା। ଦିନେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ନିଜେ ରହୁଥିଲେ ଉପାସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପଖାଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଭିଡିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସହରୀ ଦର୍ଶକ ଇଶାଙ୍କ ଏଭଳି ଭିଡିଓକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଫେସବୁକ୍ ଉତ୍ସରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଶାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିବା ପରେ ଛୁଟିଥିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଇଶାଙ୍କୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इशाक मुंडा जी। इशाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं। इशाक मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं। बाबूपाली गाँव कादुआमाटी रास्ता रे एबे पड़ी पारी छी गोड़ी। गाँव पाई निजर उत्तर दायित्व निर्वाह करी इशाक साउंडी छंती प्रशंसा। संबलपुर मळे भुईं को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछ बुलेटिन को इसरछ मते विदा दियंतु। नमस्कार।